हेलो एवरीवन, आई एम मंगेश खाड़े। वेलकम टू आवर चैनल मेड व्लॉग्स। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस थंबनेल एंड टाइटल, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट द वीडियो इज ऑल अबाउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे आई हैव विद मी माय फ्रेंड दर्पण। दर्पण हैड टॉप द सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम इन आवर कॉलेज। सो लेट्स हियर हिज स्ट्रेटजीज एंड टिप्स फॉर एसिंग योर एग्जाम्स। हेलो दर्पण, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो मंगेश, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू गाइड आवर जूनियर्स। Last year, Darpan had topped the second year university exams in our college with securing distinction in all three subjects. So let's start with the study resources. So Darpan, let's start karte. So which books did you use for pathology and tu jo ko kaise suggest karega? मैंने mostly मैरो से किया था, मतलब मैंने मैरो पूरा किया है और साथ में मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में रॉबिन्स पढ़ी थी। रॉबिन्स का फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा है, लेकिन सजेस्टिंग में मैरो अगर आप कर रहे हो तो मैरो रॉबिन्स का पूरा शॉर्ट टॉपिक ही है। तो रॉबिन्स अलग से पढ़कर भी इतना फायदा नहीं होगा क्योंकि मैरो में मोस्टली कवर किया है। ऐसा नहीं मैं मैरो को प्रमोट कर रहा हूँ, आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वो सही है, लेकिन उसी पे स्टिक रहो। ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज मत यूज़ करो, क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करोगे आप कन्फ्यूज होगे। ये सिर्फ पैथो के लिए नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। और पैथो के लिए एडिशनल रिसोर्सेज में मैं हर्षमोहन सजेस्ट करूँगा, क्योंकि रॉबिन्स सबसे पढ़नी नहीं होती है और मुझसे भी मतलब पार्ट वन ही हुई थी पढ़ना। तो एज ए यूनिवर्सिटी एग्जाम हर्षमान वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप उससे कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के लिए तो कौन सी बुक सजेस्ट करेगा? फॉर्मेट के लिए वैसे सब लोग केडीटी सजेस्ट करते हैं, लेकिन केडीटी पढ़ना और फिर उसको रिटेन करना थोड़ा टफ जाता है। और क्योंकि बाय द साइड आप अगर रॉबिन्स भी पढ़ रहे हो और केडीटी भी कर रहे हो तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने तो पूरा ही शानबाग से किया था और लेक्चर्स मैंने गोविंद गर्ग सर के देखे थे, तो उससे पूरा हो जाता है। बस उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आता है, ड्रग्स के नाम याद रखना। तो उसके लिए आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लासिफिकेशंस याद रखो, उसमें हो जाता है। फार्मेक का मोस्टली पेपर जो रहता है आपके क्लासिफिकेशन से आपके 50% मार्क्स तो फिक्स है अगर आपने सिर्फ ड्रग्स के नाम याद रख लिया। अब माइक्रो की तरफ आते हैं। अब जैसे माइक्रो माइक्रो की बेस्ट बुक होती है अपूर्वा शास्त्री। अगर आप फर्स्ट डे से अगर सेकंड ईयर के पढ़ना शुरू कर रहे हो अपूर्वा शास्त्री, 3 से 4 महीने में पढ़ना हो जाती है अगर आप रेगुलर भी उसे 2-3 घंटे पढ़ो तो, और उसके नोट्स बना लो, कैसे वो आपको इजी जाएंगे। और अगर आप माइक्रो के लिए कोई ऐसे रिसोर्सेज देख रहे होगे, रिसोर्सेज ज़्यादा काम आते नहीं एग्जाम के रिलेटेड अगर आप देखोगे तो, क्योंकि माइक्रो का पेपर जो है मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड आएगा तो उसमें आंसर्स लिखने नहीं होते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप अगर अपूर्वा शास्त्री से पूरा करो, क्योंकि उसके जो पीछे रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में भी मिल जाएंगे। और कुछ एडिशनल रिसोर्सेज तो बताना चाहेगा? मेजरली यही रहेगा कि अपने अपने नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स कभी भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि अभी आप सबको ही पता है MUHS की तरफ से नई गाइडलाइंस आई है कि उनको एग्जाम जल्दी से जल्दी लेनी है। तो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वो 1 डे गैप में एग्जाम ले लेंगे। तो इतना सारा सिलेबस अगर आप टेक्स्ट में पढ़कर कर रहे हो तो उससे कवर होना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा आता है। अगर हैंड रिटन नोट्स आपके हो गए तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे उसे, तो वो एक दिन में वापस से रिवाइज करना अच्छा होगा। और पैथो के लिए जैसे मैं मैरो से किया था तो उसमें भी हैंड रिटन नोट्स ही काम आएंगे आपके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर देख कर जाओगे तो मेजरली आपका लगभग 20-30% पेपर वही आ जाता है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो मार्क्स को फायदा है ही। ऐसा नहीं है आपको कि सारे बुक्स पढ़ने हैं, मल्टीपल सोर्सेज रिसोर्सेज की तरफ से जाना ही मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और ऐसा भी नहीं है आप दूसरों को देखकर ही कंपेयर कर रहे हो कि इसकी तो इतनी रिवीजन हो गई है, मेरी नहीं हुई है अभी। सबका अपना अपना एक स्पीड होता है, उसके हिसाब से हो जाएगा। और मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए यही बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पर ऐसा हो जाता है ना कि कोई टॉपिक किसी में ज़्यादा अच्छे से दिया होता है, किसी में थोड़ा ये होता है। तो अगर लास्ट टाइम पर अगर आप सोर्सेज चेंज करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। तो जैसे अपने को IIMPs मिलती है या अपने कॉलेज में बुलाने IIMP का PDF चलता है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अब जैसे तुझे भी पता है कि अपने बैच के साथ यही हुआ है कि अपन भलानी कर कर जाते हैं हर साल, और दोनों साल में भलानी से क्वेश्चन आ नहीं रहे। कोई कोई बैच का हो जाता है फायदा, कोई कोई का होता ही नहीं है। तो मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि भलानी करो। और अगर आप स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो तो सिर्फ भलानी कर कर फायदा नहीं है। अगर आप एकदम लास्ट मंथ में शुरू कर रहे हो तो तब जाकर आप अगर भलानी किए तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फुल्ली डिपेंडेंट रहो भलानी के ऊपर। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो तू प्रैक्टिकल के लिए क्या गाइड करेगा जूनियर को?
अब जैसे थ्योरी एग्जाम्स एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, प्रैक्टिकल का 100 होता है। तो अगर आप देखोगे इन जनरल थ्योरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल में इतनी मेहनत नहीं रहती है। तो प्रैक्टिकल कभी भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आपका स्कोर बूस्ट करना है आपको या इन यूनिवर्सिटी, तो आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल पे फोकस करने लायक कोई ऐसी मतलब नई चीज़ नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी दो इंटरनल्स एक प्रीलिम्स देकर आते हो, प्रैक्टिकल में फाइनली वही आएगा। अब जैसे आप पैथो प्रैक्टिकल का देखोगे आप, तो उसमें ब्लड ग्रुपिंग रहता है, फिर पेरिफेरल स्मियर रहता है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं आपके। फिर आपके जो चार्ट्स हो गए, चार्ट्स आपको ऑलरेडी कॉलेज प्रोवाइड कर देती है कि आपको यही चार्ट्स रहेंगे एग्जाम में। अगर आप उतना भी पूरा कर देते हो तो फिर आराम से हो जाता है। और बात रहती है वाइवा, और आप अगर वाइवा के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ कर जा रहे हो तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है इन जनरल। मतलब आप देखोगे कि थ्योरी के लिए आप जो प्रिपेयर कर गए हो उसी को एक बार अगर आप रिवाइज कर जाओगे तो कॉमन क्वेश्चन ही पूछते हैं प्रैक्टिकल में। ऐसा कोई ये नहीं होता है कि आपको एकदम ही कोई नई चीज़ पूछ ली गई हो। और माइक्रो के लिए ये होगा कि स्लाइड्स बनाने होते हैं, और फिर उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन होता है, और हैंड हाइजीन पीपी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी ऐसे, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। तो आप मार्क्स अच्छे से ले सकते हो। जैसे उसमें टॉपिक रहता है हैंड हाइजीन और पीपी के, वो मतलब इतना हार्ड तो है नहीं, सब जनरल हो जाता है कॉलेज के प्रैक्टिकल से। फिर उसका चार्ट्स वगैरह देते हैं, वो भी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देती है, तो उससे आपके प्रैक्टिकल तो क्लियर हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स बूस्ट हो गए तो आपका यूनिवर्सिटी का स्कोर आराम से बूस्ट हो जाएगा। और अब रही बात फार्मेकोलॉजी की, अब फार्मेकोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे रहता है, वो तो आधा थ्योरी रहता है, ठीक है। उसमें से 70 मार्क का क्या रहेगा आपका, आपको रिटर्न ही करना है, ठीक है। और सेकंड ईयर की बात यही होती है ना कि आपको डिपार्टमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखती है पहले से। तो आप फर्स्ट इंटरनल, सेकंड इंटरनल, प्रीलिम्स, तीनों में आप सेम क्वेश्चंस लिख चुके होते हो, और आखिर यूनिवर्सिटी में आकर भी आपको सेम ही क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आपके यहाँ पे 70 मार्क होते हैं। और अगर आपने ये पूरे अच्छे से कर लिए तो यहाँ 70 में से 60 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रही बात वाइवा की, तो वाइवा में मोस्टली क्लासिफिकेशंस पूछते हैं, तो मोस्टली कॉमन क्लासिफिकेशंस लाइक एंटी बैक्टीरियल्स हो गया, एंटी एपिलेप्टिक्स फेवरेट क्वेश्चन होता है। जैसे अब हमारे टाइम पे न्यूअर ड्रग्स ऑफ टीबी, ये एक्सटर्नल सबको पूछ रहे थे, क्योंकि वो एक नया क्वेश्चन आया था, और जो ऐसे मतलब जो केडीटी पढ़ते उनको ही पता थे। तो जैसे कि अपने जूनियर के अभी दिसंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम से, तो उनको लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी के लिए तो क्या बताएगा? मेन तो यही है, स्टिक टू योर प्लान। मतलब आप जो सोचकर आए थे वही करो। अब कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो ये सोचकर आते हैं कि आखिरी मंथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके लिए भी फिर यही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, लास्ट 2-3 साल के यूनिवर्सिटी के पेपर्स ले लिए आपने, यूनिक सॉल्व कर लिए, तो उससे भी हो जाता है। और ज़्यादा नहीं, अपने जो नोट्स बनाए होंगे अगर आपने, तो उसी पे स्टिक रहो। और जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और मार्क्स बूस्ट करने के लिए मेजर होता है कि एमसीक्यू का पार्ट, तो एमसीक्यू के लिए आप यूनिक सॉल्व कर सकते हो। एग्ज़ाम के पहले प्रीलिम्स के बाद का जो आपका पीएल का पीरियड होता है, उसमें अगर आपने एक बार यूनिक के एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है तो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ जाते हैं, उससे 5-7 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ ही जाते हैं, तो वो भी आपको मार्क्स बूस्ट करने में हेल्प करेगा। बी रिजिलिएंट, अगर हो सके तो दोस्तों के साथ डिस्कस करो टॉपिक्स, कैसे ये ज़्यादा हेल्प करता है रिकॉल करने में, ज़्यादा हेल्प करता है। और हो सके तो आप दोस्तों को पढ़ा दो, कैसे उनका भी फायदा होगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको टॉपिक्स याद आएंगे, क्योंकि सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ऐसे वोलाटाइल होते हैं, जल्दी भूल जाओगे आप, ठीक है। तो जैसे ड्रग्स हो गए, ड्रग्स वगैरह आप लिख कर याद कर सकते हो, पैथो, माइक्रो तो मेजर सब्जेक्ट है जो जल्दी भूलते, क्योंकि उसके ऑर्गेनिजम्स भी याद नहीं रहते, तो वो आप एक दूसरे को पढ़ा कर सकते हो। तो एक लास्ट पॉइंट कि पेपर कैसे लिखे और उसका प्रेजेंटेशन कैसा रखें। अब सेकेंड ईयर में जैसे डायग्राम्स वगैरह मतलब ज़्यादा होती नहीं है, मोस्टली फ्लो चार्ट्स में आपका काम हो जाएगा। जैसे पैथो में अगर हिस्टो स्लाइड बनानी, हिस्टोपैथ की एक स्लाइड आएगी जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस में मेंशन किया होता है, तो वहाँ पे निकाल लेनी है। और फार्मेक में जो क्लासिफिकेशंस आते हैं, पहले तो मेन फ्लो चार्ट बनाकर उसके मेन क्लासेस के नाम लिख देना, और फिर उसके बाद उसको उसके ड्रग्स लिख लेना। और माइक्रो में ऑर्गेनिजम्स के लिए डायग्राम्स के लिए स्पेशली क्वेश्चन आता है उसका, कि ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म है। और अब मेन पेपर प्रेजेंटेशन में ये होता है कि मतलब मेरा तो ऐसा रहता था कि मैं पॉइंट वाइज लिखता था, तो मैं इस ऐसा तो नहीं करता था कि मैं पेपर पूरा भर भर कर लिखता था। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसमें तो बेस्ट पॉइंट वही होता है कि पेपर भर के लिखो, उसके आसपास का जो पता है आपको, वो चैप्टर का जो पता है वो सब लिख दो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है
उसमें ऐसी गलती नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चेक करने वाला रहेगा उसको भी वही रहता है कि पॉइंट वाइज मिले उसको इजी जाएगा चेक करने को, तो मार्क्स भी ज़्यादा देगा। और टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में, जैसे कि मोस्टली लोग LAQ से शुरू करते हैं, तो LAQ लिखते लिखते उन बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं तो टाइम बचता नहीं SAQ वगैरह के लिए, जबकि ऐसे की स्कोरिंग पार्ट है अगर आप देखोगे तो, हो सके तो फिर सिक्वेंस वाइज पेपर लिखिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी आपकी स्ट्रेटेजी चेंज मत कीजिए किसी की भी सुन के, अभी तक जो करते आए वही करिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू दर्पण फॉर गिविंग अस योर वैल्युएबल टाइम। इट्स माय प्लेजर टू गाइड द जूनियर्स एंड थैंक यू मंगेश एंड प्रणव बिहाइंड द कैमरा फॉर गिविंग मी अ चांस टू गाइड द जूनियर्स एंड ऑल द बेस्ट जूनियर्स फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम।